नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट, और आप लोगों के साथ कुलदीप। बनारस की जनता कोविड को लेकर कितनी जागरूक है, टीका को लेकर कितनी जागरूक है, हम हर जगह पे जाएंगे और ये पता करेंगे कि बनारस की जनता कितनी जागरूक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जगह जगह पे शहर पे वो होर्डिंग लगा हुआ है कि धन्यवाद मोदी जी, टीकाकरण को लेकर बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगे हुए हैं। लेकिन बनारस की जनता कितनी जागरूक है कोविड को लेकर, क्योंकि तीसरी लहर आने वाली है, इससे को बचने के लिए तमाम लोग इस पे सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि कैसे बचा जाएगा। आइए हम बात करते हैं सीधे उन लोगों से जो कोविड के बारे में, जो टीका के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। इसमें कहाँ पे हैं आप? 80 घाट खड़े हैं। बनारस की जनता कितनी जागरूक आपको दिख रही है कोविड को लेकर? काफ़ी जागरूक दिख रही है, मतलब सब फॉलो वॉलो हो रहा है, और वैक्सीन भी काफ़ी ऐसे लोग लगवा रहे हैं सब, तो काफ़ी जितना चल रहा है, काफ़ी प्रचार उचार चल रहा है, तो वो लोग ऐसे सुन रहे हैं, उससे भी प्रभावित हो रहे हैं लोग काफ़ी ज़्यादा। आप वैक्सीन लगवाएं कि नहीं? नहीं, अभी हम लोग नहीं लगवाएं। क्या कोई डर है क्या वैक्सीन को लेकर? हाँ, कुछ लोगों को डर है अभी, लेकिन अभी हमारा एज नहीं है उसका। रेनू जी, इस समय आप कहाँ पे हैं? 80 घाट बनारस। बनारस की जनता कितनी जागरूक लग रही है कोविड को लेकर? जी, हमें तो 90% जागरूक लग रहे हैं लोग। टीका को लेकर कितना आप जागरूक हैं? हैं काफ़ी, अपना खुद का वैक्सीनेशन हम करवा चुके हैं और हमारे घर में भी हो चुका सबका। क्या कोई बैनर पोस्टर देखकर या खुद के मन में लगता है कि हमें वैक्सीन लगवाएं? नहीं नहीं, जो महामारी चल रही थी उसको देखते हुए लगा कि कुछ तो जितनी सेफ्टी ले सकते उतनी ले लेनी चाहिए। बनारस की जनता को क्या कहना चाहेंगे? यही कि जिसने नहीं लगवाया लगवाए, और जो नियम है मास्क का, सैनिटाइज करने का, हाथ धोने का, दूरी का पालन करें। कमलेश भारद्वाज। कमलेश जी, कहाँ पे हैं आप? जी, इस समय हम 80 घाट पे खड़े हैं। वैक्सीन को लेकर बनारस की जनता कितनी जागरूक है? वैक्सीन को लेकर के बनारस की जनता काफ़ी जागरूक है। हाँ, अपनी सेल्फ, जैसे कि खुद की सुरक्षा के लिए सभी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। आपने लगवाए? जी हाँ। कब लगवाए? जी, मैंने इसी महीने को लगवाया। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम नितेश पांडे है। नितेश पांडे, इस समय आप कहाँ पे हैं? इस समय हम काशी के 80 घाट पे हैं, जहाँ रामचरितमानस की रचना हुई थी। ये बताइए कि बनारस की जनता कितनी जागरूक है कोविड को लेकर? बनारस की जनता इतनी ही जागरूक है कि अगर पुलिस देख रही तो मास्क लगा ले रही, पुलिस हट रही तो मास्क उतार दे रही है। आप भी मास्क नहीं लगाए हैं, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये आपसे अभी बात करने के लिए हम थोड़ा सा खाली है इसलिए यहाँ पे। तो क्या वैक्सीन आपने लगवाया कि नहीं लगवाया? जी, पहला डोज लग गया है। बड़े बड़े पोस्टर देखकर लगवाए कि आपकी मन में लालसा थी कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए? नहीं, ये हमारा कर्तव्य है और लालसा भी थी कि लगाना चाहिए, क्योंकि महामारी एक ऐसा प्रारूप बन चुका है हमारे भारत में जिससे बहुत अधिक लोगों को नुकसान हो चुका है, तो इसमें अगर अपनी जान की सुरक्षा करना है और साथ में दूसरे की भी जान की सुरक्षा करना है तो वैक्सीन जरूर लगाना है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धीरज है। धीरज जी, कहाँ पे हैं इस समय आप? हम एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं। ये बताइए कि बनारस की जनता कोविड को लेकर कितनी जागरूक है? देखा ऐसा ना कि बनारस बहुत, मतलब हजारों साल से अल्हड़ सहल रहा है, तो कोविड को लेकर के सामान्य जागरूकता है, बहुत जागरूकता नहीं है। लोग सोचे ना कि बाबा का नगरी, हमारे यहाँ कुछ होबे न करी, हालांकि हुआ, काफ़ी जो है मृत्यु हुई, काफ़ी स्थिति लोगों की ख़राब हुई, काफ़ी दिक्कतें आई, ठीक है, तो कोविड को लेकर के पर्याप्त जागरूकता नहीं है। क्या नाम पड़ेगा? योगी आलोक शुक्ला, समाज सेवी। ये बताइए कहाँ पे हैं आप? जी, वाराणसी। वाराणसी, ये वाराणसी का 80 घाट कितना कोविड को लेकर जागरूक दिख रहा है आपको? इस समय तो बहुत दिक्कत में है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगभग लोग यहाँ मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो कि पालन करना चाहिए, सबको पालन करना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, लेकिन लोग नहीं लगा रहे हैं। क्या आप वैक्सीन लगवाए हैं? जी, मैं वैक्सीन तो अभी नहीं लगवाया हूँ, पर लगवा लूँगा मैं। कब तक लगवा लेंगे? वो 2-4 दिन के अंदर। क्या नाम पड़ेगा आपका? हेमंत कुमार राय। हेमंत जी, आप कहाँ पे हैं इस समय? सर, 80 घाट पे बैठे हैं हम तो। बनारस की जनता कितनी जागरूक है वैक्सीन को लेकर? वैक्सीन लगवाना सर सभी के लिए आवश्यक है इस टाइम, जनता लगवा भी रही है, जागरूक भी है, और सभी को लगवाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लोगों को कोविड से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, विशाल कुमार गुप्ता। विशाल जी, इस समय आप कहाँ पे हैं? इस समय सर हम 80 घाट के पास बैठे हुए हैं। ये बताइए, बनारस की जनता कितना वैक्सीन को लेकर जागरूक है? बनारस की जनता हमारे ख्याल से देखिए बहुत ज़्यादा जागरूक है, और लग भी रही है, जनता लगवा भी रही है। क्या आप वैक्सीन लगवाए हैं? जी, मैंने लगवा लिया हूँ, और दूसरा डोज मेरा
अगस्त तक आने वाला है उसको लगवाना है। क्यों लगवा लिए सर? ज़रूरी है, कोविड के कारण इतना महामारी हो रहा है, देख ही रहे हैं, इसके लिए लगवाना ज़रूरी हो जा रहा है। तमाम डर के बाद बनारस की जनता ये इतनी जान गई है कि कोविड का जो प्रकोप है वैक्सीन लेना ज़रूरी है, इसलिए अब सभी लोग रजिस्ट्रेशन कराना प्रारंभ कर दिए हैं और जो नया वैक्सीन आया है उसको भी लोग लगाने के इच्छुक हो चुके हैं। आप देखते रहिए न्यूज बकेट, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।